हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको मैजिक रूम के एक नए वीडियो में। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज एक बढ़िया नोट का मैजिक आप सबके लिए। तो दोस्तों नोट का मैजिक आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन ऐसा नोट का मैजिक शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो मेरे पास आज है एक 10 रुपए का नोट हमारे देश का। ठीक है, तो इस नोट को हम लोग क्या करते हैं, इस नोट को हम लोग ऐसे एक बार फोल्ड करके एक राउंड सा बना लेते हैं। ठीक है, देख सकते हो इसको, ऐसा कुछ बना लिया। अब इसको हम लोग करेंगे अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है, आप सबके आंखों के सामने, 1, 2 और 3। अब इसको हाथ को बंद करेंगे दोस्तों ऐसे, और आप लोग आवाज पाओगे कि हाथ में कागज है। तो अब सिर्फ 1, 2, 3, एक स्नैप और वो 10 रुपए का नोट जो था आप उसको खोलेंगे और आप लोग देख सकते हो वो बदल गया एक 50 रुपए के नोट में। तो दोस्तों ये है मैजिक। तो कैसा लगा आप लोग, अगर आप लोग अच्छा लगा तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए अपने दोस्त के साथ शेयर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और देखते हैं कैसे मैंने ये मैजिक किया और आप लोग इसको कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस ऑसम मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस ऑसम मैजिक के पीछे का सीक्रेट है थोड़ा सा सिंपल और थोड़ा सा टेक्निकल। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को लगेगा सिर्फ एक स्लाइड, ठीक है, और वो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों पहले बता दूं कि मेरे पास एक नोट नहीं है, मेरे पास 2 नोट है। ठीक है, एक नोट को आपको ऐसे एकदम रोल बना के उंगली के अंदर ऐसे रखना है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही रख सकते हो, ऐसे ये सामने से दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा आगे करके रखोगे तो आप एकदम नेचुरली हाथ को ऐसे रख सकोगे और थोड़ा सा गैप से भी ये नोट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया ये नोट। अब इसको कैजुअल लीजिए और इधर कोई भी दूसरा नोट जो आप बदलना चाहते हो इस नोट के साथ तो उसको भी ऐसे रोल कीजिए। करने के वक्त अब मैं आपको ये नोट को छोड़ के दिखाता हूं। ठीक है, इस नोट को इधर रखते हैं। अब ये जो स्लाइड है वो है 1, 2 और 3 बार जब हम लोग करते हैं तो हम लोग इसको सामने ऐसे धकेलते हैं और ये पूरा सीधा होके हमारे हाथ में ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो यही है सीक्रेट इस नोट को वैनिश करने का, 10 रुपए के नोट को वैनिश करने का। 1, 2 और 3 बार जब हम इसको करेंगे तो ये हाथ में आ जाएगा। और एक बार आपको मैं मोशन में दिखा देता हूं कि 1, 2 और 3 और ऐसे, तो दोस्तों नोट चला गया इधर। ठीक है, तीसरी बार जब आप इसको सामने से प्रेस करेंगे तो वो एकदम फ्लैट होकर इधर आ जाएगा और आपको उधर उसको ग्रिप कर लेना है। अब पूरा देख लेते हैं, ये रहता है हमारे हाथ में पहले से, इसको हम लोग सिर्फ वैनिश करते हैं और इस नोट को ऐसे मरोड़ कर हाथ को बंद कर लेते हैं। अगर आप किसी को ये एकदम सामने से दिखाओगे वो बंदा एकदम आवाज सुन पाएगा कि इसके अंदर सच में हाथ के अंदर कागज है। ठीक है, फिर आप कुछ भी तरीके से इसको दिखाओ कि ये बदल गया 10 रुपए का नोट 50 रुपए में, और उस 10 रुपए का नोट को बात करते करते अपने पॉकेट में या फिर बैक पॉकेट में रख दो। ठीक है, तो ये था सीक्रेट। आई होप आप लोगों को ये जान के अच्छा लगा। मैजिक को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद सिखाइए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये मैजिक बहुत ही अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर, और अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मैं हर मंगलवार और शनिवार ठीक शाम 7 बजे लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए नया नया जादू। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही ऑसम ऑसम चीज सीखते रहिए।